इन पर मुझे हंसी भी नहीं आती है, थोड़ा तरस आता है कि रुपया तो 40 पर आने वाला था मोदी जी के आते हुए, तो रुपया मोदी जी की बात ना सुनकर बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग रहा है। और ये वो मोदी जी हैं जो कहते थे मुझे बड़ी चिंता है, मैं शासन में बैठा हूं, रुपया कमजोर सिर्फ डॉलर के कारण नहीं होता है, रुपये का कमजोर होने का कारण करप्शन है, रुपये के कमजोर होने का कारण नीति निर्धारकों की नियत में खोट है। अब किसकी नियत में खोट है? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस मंच से हम इसको जरूर उठाना चाहेंगे। यूएस के एसईसी ने, जो उनका मार्केट रेगुलेटर है हमारी तरह सेबी, उसने ओरेकल को फाइन करा है, गिल्टी पाया गया है, दोषी करार करके फाइन किया है कि ओरेकल ने आधे मिलियन डॉलर की घूस रेलवे के अधिकारियों को रेल मंत्रालय में भारत में 2016 में जब पीयूष गोयल थे तब दी, वहां पर फाइन हो गया। यहां पर मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, और एक सुई पटक सन्नाटा। कोई इंक्वायरी आपने सुनी? क्या यह पता किया गया कि एक कंपनी को अमेरिका में फाइन देना पड़ रहा है घूस देने के लिए, यहां पर वो घूस किसने ली, उसमें कौन कौन लिप्त था? एक शब्द नहीं। इसी करप्शन के चलते आज रुपया टूट रहा है, और रुपया ऐसा टूट रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार का 100 बिलियन डॉलर आपने लगा दिया लेकिन रुपया संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि होर तो लगी है रुपए की गिरावट में और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और साख में। आबरू से बड़े बेआबरू हो चले हैं।